अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जो है ADGDP CAE के, जिसमें जो है इंग्लिश का टेस्ट आता है, इंग्लिश ग्रामर के कुछ सवालात को जो है हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 6 PM। आई हैव डैश, इस डैश में हमने जो है अपना हमने ऑप्शन लगाना है कि यानी आई हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 6 PM। आई हैव आ एंड दी या नॉन ऑफ अबव, इनमें से आपने कोई चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ डैश इंजीनियर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जिस पे हैश लगा हुआ नहीं, हैश का निशान स्टार का, इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। जैसे आई हैव नन ऑफ अबव, इसमें वो चीज़ कोई नहीं आ रही, जैसे आई हैव आ ब्रेकफास्ट नहीं, आई हैव एन ब्रेकफास्ट नहीं, आई हैव द नहीं, तो इसमें नन ऑफ अबव है, इसमें से कोई भी ये ऑप्शन नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है, ही इज़ डैश इंजीनियर, ही इज़ आ इंजीनियर नहीं, ही इज़ एन, तो ए ई आई ओ यू जब वॉवल होता है तो उससे पहले क्या आता है, एन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, शी इज़ डैश टीचर। अब टीचर, अब इसमें एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ए ई आई ओ यू में से नहीं था, पहला लफ्ज जो है ये टी है, टी इज़ नॉट अ वॉवल, टी जो है वॉवल नहीं है, तो इस वजह से हमने शी इज़ आ टीचर लगाया है, ठीक हो गया दोस्तों, शी इज़ आ टीचर। फोर्थ क्वेश्चन है, शी इज़ टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, शी इज़ द टॉलेस्ट, ठीक हो गया दोस्तों, इसमें हम लगा देंगे द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सन इज़ अ स्टार, डैश सन, अब सन है तो उसमें करेंगे दी सन, एक जो स्पेशल होती है, जैसे सन एक स्पेशल चीज़ है, ठीक है, तो उसके बाद हमने दी लगा देना, दी सन इज़ अ स्टार। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डैश यंग आर एक्टिव, डैश यंग, दी यंग, दी यंग आर एक्टिव, दी यंग आर एक्टिव जी। तो सेवन्थ क्वेश्चन है, डू यू टेक डैश शुगर इन टी, डू यू टेक डैश शुगर इन टी, डू यू टेक नन ऑफ अबव, इसमें जो है ए एन और द जो है नहीं लगेगा, तो इसमें जो है नन ऑफ अबव यानी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एट क्वेश्चन है, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग डैश गिटार, ही इज़ ऑलवेज, वो हमेशा अपने गिटार से खेल रहा है, तो दी गिटार, गिटार यानी एक स्पेशल चीज़ है, तो क्या लगाएंगे, दी गिटार। नेक्स्ट नाइन क्वेश्चन है, माई सिस्टर इज़ इन डैश किचन, माई सिस्टर इज़ इन डैश किचन, आंसर इज सी, माई सिस्टर इज़ इन दी किचन, ठीक है दोस्तों, माई सिस्टर इज़ इन दी किचन। टेन क्वेश्चन है, डू यू रीड डैश कुरान डेली, तो डू यू रीड दी कुरान, कुरान एक यूनिक नेम है, स्पेशल नेम है, तो उसमें हमने क्या लगा दिया, दी कुरान डेली जी। और दोस्तों अलेवन क्वेश्चन इज, दी काओ इज़ डैश यूजफुल एनिमल, दी काओ इज़ आ यूजफुल, आ यूजफुल एनिमल, एक जो है यूजफुल एनिमल है काओ। ट्वेल्व क्वेश्चन है, चिल्ड्रन नीड डैश एडवाइस, चिल्ड्रन नीड डैश एडवाइस, तो ना ना अबव, इसमें ना ए लगेगा, ना एन, ना दी, ठीक है दोस्तों, चिल्ड्रन नीड डैश एडवाइस, चिल्ड्रन नीड एडवाइस। तो 13 क्वेश्चन है, आई नीड डैश वन वे टिकट टू दुबई, ठीक है दोस्तों, आंसर इज ए, आई नीड वन वे टिकट टू दुबई। 14 क्वेश्चन है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डैश फीवर, तो इसमें ना ना अबव है, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15, डू यू हैव डैश पेन इन योर लेग, ए एन दी नॉन ऑफ अबव, तो इसमें ए, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन इन योर लेग। 16 क्वेश्चन इज, डैश इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो नॉन ऑफ अबव, ना ए है, ना एन, ना दी है। तो ये हमारे पास जो है कुछ आर्टिकल्स थे, हमने जो है कुछ कवर किए हैं क्वेश्चंस को, तो इसी तरह जो है हम बहुत सारी वीडियोज़ भी आपके लिए बनाते रहेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह।
ISSBA के एक्सपीरियंसेस में काफ़ी सारे आएंगे और बहुत सारे टेस्ट के एक्सपीरियंसेस भी आते रहेंगे आपके पास। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।